उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में एक युवक को कार सवार बदमाशों ने देर शाम गोली मार दी। गोली लगने से युवक बुरी तरह घायल हो गया, जिसे आनंद फानंद में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवक की हालत गंभीर होने की वजह से उसे जिला अस्पताल से हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। जैसे ही सूचना पुलिस को मिली, पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना स्थल का जायजा लिया। पुलिस के मुताबिक इन घटना को युवक के सालों ने अंजाम दिया है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस कोशिश कर रही है। दरअसल मामला थाना कटघर क्षेत्र के एक तबियार कॉलोनी का है, जहां देर शाम एक युवक को कार सवार बदमाशों ने गोली मार दी। किसी ने इस मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर आनंद फानंद में पहुंची और घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया। युवक की हालत गंभीर होने की वजह से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। पुलिस की जाँच पड़ताल में साफ हुआ कि इस घटना को अंजाम उसके सालों द्वारा दिया गया, क्योंकि युवक की पत्नी से पिछले कई दिनों से झगड़ा चल रहा था, जिससे नाराज होकर पत्नी के भाइयों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया और फरार हो गए। युवक को गोली कंधे में लगी है। पुलिस का कहना है कि जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? सरताज। सरताज जी, क्या हुआ था, पूरा मामला बताओ। चार जने थे, मुझे जान के पकड़ लिया, मार के भाग गए मुझे। कितने राउंड फायर हुआ था? पता ना कितने मारे। कई जने थे? चार जने थे। कार से थे? कार से थे। तो तुम्हारा कोई विरोध कैसे, कोई दुश्मन थी? हफीज, हफीज नाम पहचाना एक बोथन वसीम, दो पहचान लिए, दोनों पहचाने। दो को जानते हो? दो को नहीं जानते? शाम को 6:30 बजे एक व्यक्ति का थाना कटघर क्षेत्र में रहने वाले के गोली लगने की सूचना मिली थी। इस समय ये व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट है और स्टेबल है, बात कर रहे हैं। कंधे में इनको गोली लगी है। इन्होंने बताया कि इनकी पत्नी के साथ इनका पिछले 7-8 दिनों से मनमुटाव चल रहा था। ये अपने मायके में रह रही है और इनके जो दो साले हैं और दो अन्य अज्ञात व्यक्तियों द्वारा इस घटना को खारिज किया गया है। मुकदमा पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जा रही है और जल्दी इस घटना को खारिज करने वालों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी।